महिला की नाक काटी। यूपी के बरेली में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला एक महिला की सरेआम नाक काटने का है। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड नंबर 8 पर भर्ती ये सुनीता देवी हैं। सुनीता देवी कल शाम को बड़े डाकखाने के पास से अपनी माँ को लेने के लिए जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश ने उन पर हमला कर दिया। बदमाश ने सुनीता देवी की नाक काट ली और फरार हो गया। महिला खून से लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने प्रेमनगर थाने में FIR दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? है? तुम्हारी नाक किसने काटी? बदमाश थे। क्या हुआ पूरी बात बताओ। बोल नहीं पा रही हो? कितने बदमाश थे? एक। कहाँ जा रही थी तुम? काहे से? ऑटो से। तो बदमाश काहे पे था? बाइक पे था। तो क्या हुआ, कैसे आपको कैसे पकड़ कैसे लिया उसने? दूसरा हादसा। एक सेकंड। अरे फिर क्या? पब्लिक लोग भागे पकड़ने को, जब तक नहीं भागे। काहे से काटी नाक? चाकू था। कौन था बदमाश, जानती हो आप उसे? कौन था, क्या नाम है उसका? तो क्यों उसने ऐसा क्यों किया? कोई रंजिश है आपकी पुरानी? क्या कोई रंजिश नहीं है। बदमा चल रहा है इसकी। हाँ, आपसे पूछेंगे बाद में। पहले मेरी पप्पी पे भी हाथ से करा इसने। अच्छा, पुलिस नहीं सुन रही है ना? पहली बार पुलिस उसकी गठी हुई है। कहाँ रहती हैं ये? मेरी सोना चौधरी। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये हुआ, इनकी मम्मी घर गई थी, उनने फ़ोन करा है कि आप डाकखाने आ जाओ, अंधेरा हो रहा है, ये लेने को दो। वो जिसने इनको मारा है, उनकी मम्मी को भी मारा, तो वो बार बार धमकी ये देता है, या तो अपना मुकदमा और ले लो ना, घर में एक आदमी मार देंगे जान से। तो इनने इनके साथ हादसा करा, पुलिस ने उसको मतलब कुछ नहीं देखा था उस बार। क्या किया इनके साथ? इनके साथ चाकू मारे। कहाँ पे? सर में है, हाथ में है, नाक में है। नाक। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।